हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कैसे आप लोग यहां पे अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को आप लोग यहां पे कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज़, यहां पे कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन जो है बहुत पुराना हो जाता है तो आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर ठीक से काम नहीं करता है ना। और यहाँ पर आप लोग जो है कई सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो वो जो है ओपन भी नहीं होता है, और यहाँ पे आप लोग कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं। तब यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग सोचते हैं कि आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर को अपडेट करें, ओके। तो बट आप लोगों को ये पता नहीं है कि प्ले स्टोर को अपडेट कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है, और फिर यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की ओर आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से प्ले स्टोर लिखना है, और गूगल प्ले स्टोर को आप लोग ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नीचे में अनइंस्टॉल एंड अपडेट का ऑप्शन आता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल एंड अपडेट पर क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन पर जो गूगल प्ले स्टोर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है अपने फ़ोन में नए जो अपडेट हुआ जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है आप लोग यहाँ पे उसको जो है यूज़ कर पाएंगे, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को अपडेट कर सकते हैं।